नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10। और इस चैनल के अलावा आप हमसे जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, जो है पीएम ई विद्या क्लास नंबर 10। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, वह है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट फर्स्ट। और जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइफ प्रोसेस हम सभी के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं, किस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं, आपको बताया जाएगा आज के इस सेशन में। तो बिना किसी देरी के चलिए हम मिलते हैं हमारी एक्सपर्ट से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप हैं मिस नेहा पराशर, आप TGT बायोलॉजी हैं, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जामनगर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम जी। और हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर ना हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ी हुई, आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन कॉल के माध्यम से। हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, जो है पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10, लाइव चैट बॉक्स में जाके आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि आप अपने सभी डाउट्स के साथ हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़े। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज के इस चैप्टर में, बिकॉज इसमें पार्ट फर्स्ट है, तो क्या कुछ खास है हमारे पास, आपके पास आज के इस सत्र के लिए क्या कॉन्टेंट है मैम? जी मैम, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी सभी लर्नर्स को यहाँ पर कि जो लाइफ प्रोसेसेस वर्ड है, इसका यही मतलब है कि ऐसे प्रोसेसेस जो किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले जब हम यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जानते हैं, सो दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। जो हमारे लर्नर्स हैं उन सबको पता होगा कि 6th-7th क्लास में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते आए हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एबल टू ग्रो, दे आर एबल टू रेस्पायर, दे ऑल शो सर्टेन काइंड ऑफ रेस्पिरेशन मैकेनिज्म और सर्टेन काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म। तो इस वजह से हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस की जरूरत होती है ताकि हमारे बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस बनी रहे। 10th स्टैंडर्ड में बच्चे लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चे जो भी 7th क्लास में पढ़ करके आए हैं, समझ लीजिए कि वो पूरे 7th क्लास के साइंस का कंपाइलेशन यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन विल बी न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, देन थर्ड ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, एंड द नेक्स्ट वन विल बी एक्सक्रीशन। These 4 life processes will be discussed in detail in the 10th standard in this 5th chapter. ये जो part 1 में हम deal कर रहे हैं, हम यहाँ पर nutrition से deal करेंगे। और nutrition का अगर हम मतलब देखें तो बच्चे 6th class में एक बहुत ही common word पढ़ते हैं nutrient के बारे में। हम जो भी खाना consume करते हैं उसमें कुछ ना कुछ nutrients होते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये जितने भी न्यूट्रिएंट हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत एसेंशियल है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और उस प्रोसेस के थ्रू जिसमें वो उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर रहे हैं टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी, ये पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस आता है। नाउ देयर आर 2 बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 10th क्लास में हमें ये 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो पहला वाला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक वर्ड का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑटो का मतलब है सेल्फ, एंड ट्रोफोस का मतलब है नरिशमेंट, यानी जहां पर भी सेल्फ नरिशमेंट होती है, यानी ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का नरिशमेंट खुद से कर पा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर क्या हो गए, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले हो गए। सिमिलरली ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स।
तो जिस भी प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं वो सभी इसी में आएंगे। और यहाँ पर हम सभी ने एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुना है, फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है इसका भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो फोटो का मतलब हो जाता है कि लाइट से रिलेटेड है, एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग टुगेदर, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कुछ चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल्स। यानी ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, वाटर को यूज़ कर रहे हैं, एंड इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ये प्रोसेस वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं। यहाँ पर आपके सामने फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन दी हुई है। हम सभी जानते हैं जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और एरो के राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुए हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और ये जो भी इक्वेशन है ये किसके प्रेजेंस में यहाँ पर होती दिख रही है, वन इज द सनलाइट एंड दूसरा यहाँ पर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। और क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो है वो रूट से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों की मदद से यहाँ पर हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना पा रहे हैं। ठीक है, तो जी प्लांट्स अपना खाना जो बना रहे हैं उन्होंने यहाँ पर किस फॉर्म में बनाया है मैम, आप बताएंगे मुझे? मैम, यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि वो धूप के प्रेजेंस से हो रहा है और लीव्स के थ्रू ही हो रहा है। जी जी मैम, तो यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट्स ने अपना खाना बनाया। अब ये वाला जो यहाँ पे स्लाइड बच्चों आपको दिख रही है ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लिया गया है, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस की यही इक्वेशन दी हुई है आपको, जो आपको पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है। जब हम मैम, फोटोसिंथेसिस को देख, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने फोटोसिंथेसिस हमारे सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर हम किसी प्लांट को देखें, अगर हम लीव्स की बात करें, तो कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो चुका है या फिर लीव्स में स्टार्च का मैम प्रेजेंस है? मैम जी मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए जब भी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज जो होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और बच्चों ने ये कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट पढ़ा हुआ है 6th क्लास में कि हम उसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो जब भी अगर लीफ में वहाँ पर ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ है, हम उस लीफ में अगर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स अगर डालेंगे, तो अगर हमको वहाँ पर लास्ट में ब्लू या ब्लैक कलर हमको दिखता है तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ है और प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया है। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों के एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसके लिए एक्टिविटी उनको टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। तो यहाँ पर लीफ का डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है और फोटोसिंथेसिस को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी जो हमने अभी अभी देखा कि प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, यानी अब लाइट एनर्जी को यूज करके वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला H2O होता है, अब उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, और फिर उसके बाद रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड अब हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। बच्चों यहाँ पर आप गार्ड सेल्स को देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नीचे इमेज दी गई है जहाँ पर गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर का कुछ रिलेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गार्ड सेल्स स्टोमेटा में कैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैम क्या आप यहाँ पर गार्ड सेल्स देख पा रहे हैं? यस मैम जी मैम, तो जैसा कि हम देखते हैं ये जो गार्ड सेल का शेप है, ये हम घर में जो राजमा खाते हैं जिसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, ये उसकी तरह होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में अब हम देखेंगे कि जो गार्ड सेल है, अगर मैम आप यहाँ पर देखें तो जो फर्स्ट वाला इमेज आपको दिख रहा है इसमें जो H2O लिखा है वो एरो गार्ड सेल के अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है? मैम ये अंदर की तरफ जा रहा है आई गेस। यस मैम, यस मैम, थैंक यू वेरी मच। और जो सेकंड वाली इमेज है उसमें H2O, मैम बाहर की तरफ आ रहे हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज जहाँ पर H2O अंदर आ रहा है, यानी वाटर अंदर आ रहा है गार्ड सेल के, इस टाइम पे पोर्स का साइज बहुत ज्यादा है जी मैम, और गार्ड सेल बढ़ क्या साइज है, आप इनका स्वेल हो जाते हैं और
लीफ का साइज जो है वो उस अफेक्टेड होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे कि स्टोमेटा क्लोज हो गया है, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ हो रहा है। मैम, यहाँ पर आप आगे बढ़े, हम यहाँ पर आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आप गार्ड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल मैम? क्या उसका रोल रहता है, हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। जैसे अभी आपने जी H2O के बारे में ही बताया। जी जी मैम, तो यहाँ पर जैसे देखिए लिखा भी हुआ रोल ऑफ गार्ड सेल में, व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स तो उस टाइम दे स्वेल एंड दे फॉर्म अ टर्जिड बॉडी जिससे कि स्टोमेटल ओपनिंग होती है। और गार्ड सेल से जब वाटर बाहर रिलीज होते हैं तो वहां पर हमने लिखा हुआ स्टोमेटल क्लोजिंग होती है, यानी स्टोमेटा के पोर्स वहां पर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जी मैम। तो ये प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। देन अब यहाँ पे दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने बताया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगेन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब हम वर्ड का ब्रेक डाउन करेंगे, हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रोफोस का अगेन यहाँ पे नरिशमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी यहाँ मैम। पर अगेन नरिशमेंट फ्रॉम अदर्स, यानी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना पड़ता है। नाउ अगेन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट या एनिमल बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसमें ईस्ट और मशरूम एग्जाम्पल्स हैं बहुत कॉमन। सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जो मस्क्यूटो होते हैं वो ब्लड सक करते हैं। तो हम मस्क्यूटो को ब्लड दे रहे हैं, हम उसके लिए होस्ट हो गए, और मस्क्यूटो जो हमसे फ्री में न्यूट्रिशन ले रहा है वो पैरासाइट हो गया, तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को हम इंजेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हमारा बॉडी फिर उससे न्यूट्रिशन लेता है, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा है, जिसके बारे में यहाँ 10th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट केस में जो फर्स्ट स्टेप दिया है इंजेशन, यहाँ पर मैम एक वर्ड लिखा दिख रहा होगा आपको, स्यूडोपोडिया। जी, तो ये तो स्यूडोपोडिया बहुत जी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्यूडो हाँ का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब ही होता है फीट, यानी फॉल्स फीट, है ना। हमारे पास क्या होता है, चलने के लिए मूवमेंट के लिए फुट या फीट होते हैं, लेकिन अमीबा के पास चलने के लिए स्पेसिफिक फुट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इसके पास ये जो स्यूडोपोडिया है, तो इसके हेल्प से वो आगे बढ़ते हैं, वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करते हैं, वो फूड पार्टिकल अंदर एब्जॉर्ब होता है और फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, एंड जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो फाइनली बाहर बॉडी से रिमूव हो जाता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर इंजेशन लिखा है, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। ये जो 5 स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, यही सेम 5 स्टेप्स हम तब पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। इंजेशन मतलब खाने का अपने अंदर लेना, फूड पार्टिकल अपने अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब उस फूड पार्टिकल का हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होना। एब्जॉर्प्शन मतलब कि अब जो ब्रेक डाउन हो गए सिंपल पार्टिकल में, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। एसिमिलेशन मतलब उस पार्टिकल से अब हर एक सेल में एनर्जी पहुंचाना। एंड लास्ट इजेशन मतलब जो वेस्ट पार्टिकल है बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो यही सेम 5 स्टेप्स हम तब देखेंगे जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए। जी तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, और दूसरा इसको कुछ हेल्प करने के लिए वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, नियर अबाउट 8 to 10 meters लॉन्ग होता है, और ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे इसका एंड होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में भी अगेन वही सेम स्टेप्स हैं जो हमने अमीबा में देखे थे, सेम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में स्टेप वाइज हम देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस इंजेशन, यानी जब हम खाना खाते हैं, तो मैम क्या आप मुझे बताएंगे हम खाना खाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम कैसे खाने को अपने अंदर ले जाते हैं? मैम, हम अपने मुंह और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। यस मैम, वेरी जी नाइस। हम हमेशा हाथ, बाय यूजिंग अवर हैंड, हम फूड को हमेशा माउथ में ले जाते हैं। तो माउथ में अंदर जो एम्प्टी स्पेस होती है, हम उसको बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। तो वहां पर जब फूड पार्टिकल अंदर गया, ये हो गया हमारा इंजेशन। अब वहां पे जो हमारे टीथ हैं, जो दांत हैं, वो फूड पार्टिकल को बाइट करने में, च्यू करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए, जैसे एक बड़ा एप्पल होता है,
हम उसको डायरेक्टली एज इट इज स्वेलो नहीं करते, हम पहले उसको बाहर नाइफ से कट करते हैं, फिर हम उसको माउथ में लेते हैं, वहां पर हमारे टीथ होते हैं जो फिर से उसको छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं। तो ये जो बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो रहा है, बस यही होता है हमारा डाइजेशन। तो माउथ में एक टीथ हेल्प करते हैं, दूसरे सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा जिसको हम थूक बोलते हैं हिंदी में या लार बोलते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं हम उसको, जो अगेन स्टार्च के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, यानी जो उस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको ब्रेक करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे टंग होते हैं हमारे माउथ में जो कि फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं। अब नॉर्मली यहाँ पर 1 मार्क्स का बच्चों को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो द आंसर विल बी बक्कल कैविटी, कि वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हुआ। देन यहाँ पे फूड पार्टिकल जब ग्राइंड हो गए देन दे विल पास थ्रू ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, वहाँ से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंटिन्यूअसली वहाँ पे उसकी जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट होंगी रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी रिलैक्स होंगी, और फिर फूड आके फाइनली स्टमक में जाएगा। अब स्टमक जो कि एक बहुत ही बड़ा मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। इसके पास भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, और इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। अब जब भी एसिड वर्ड आता है, जैसे घर में कई बार हम एसिड यूज़ करते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए, तो एसिड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है जर्म से वो मर जाएंगे। तो सिमिलरली जो स्टमक में HCl है वो भी बैक्टीरिया को किल करेगा, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं बाहर से, खाना अंदर ले जा रहे हैं, देयर आर चांसेस कि उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, तो HCl उस बैक्टीरिया को किल करेगा और स्टमक का मीडियम एसिडिक बनाएगा। इस एसिडिक मीडियम में एक एंजाइम वहाँ पे काम करता है जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और सबसे लास्ट चीज़ यहाँ पर म्यूकस है। अब म्यूकस का काम क्या होता है, क्योंकि देखिए जब एसिड हम बोल रहे हैं, एसिड हमेशा डेंजरस होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि एसिड को हमें डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए, बस स्टमक में तो कंटिन्यूसली एसिड बन रहा है, तो हमारे स्टमक की वॉल वहाँ पे डैमेज ना हो जाए, वहाँ पर उसके लिए एक लुब्रिकेंट वहाँ पे कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं, जो स्टमक की इनर वॉल को एसिडिक इफेक्ट से बचाता है। यहाँ से फूड पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, फिर पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो, अच्छा नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है पर हम इसको लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 to 7.5 meters की लेंथ होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये अकेला काम नहीं करता, ये बोलता है कि भैया हम मिलजुल के काम करेंगे, ये टीम वर्क में बिलीव करता है, तो ये भाईचारे में दो और दोस्त को बुलाएगा। इसके पास होते हैं लिवर और पैंक्रियाज जो इसको कंटिन्यूसली टीम वर्क में हेल्प करते हैं। लिवर अपना एक जूस बनाता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, यानी खाने में अगर कुछ भी फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ये उसको ब्रेक डाउन करेगा। और ये बाइल जूस बनाता लिवर है पर ये स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, कि मान लो इस टाइम बाइल जूस का यूज नहीं है तो ये उस टाइम टेम्पररली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। दूसरा इसका दोस्त है स्मॉल इंटेस्टाइन का पैंक्रियास, पैंक्रियास भी अपना एक जूस बनाता है पैंक्रियाटिक जूस। इसके पास भी कुछ एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन और लिपेज, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है और जो लिपेज है ये फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब लिवर और पैंक्रियास इन दोनों टीम मेंबर्स ने अपना काम कर दिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो इनका लीडर है वो ऐसे ही खाली तो नहीं बैठेगा, बींग अ लीडर वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बाद में अपना एक जूस बनाता है जिसके पास सारे एंजाइम्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट करेगा और फैट्स भी डाइजेस्ट करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो डाइजेशन होता है फूड का वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन बच्चों से कई बार पूछा जाता है इन विच पार्ट ऑफ डाइजेशन कंप्लीट इज कंप्लीटेड, तो आंसर वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के दो दोस्त कौन थे, लिवर और पैंक्रियास। ये चीज हमें कई बार याद रखनी पड़ती है, क्योंकि जो लिवर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि लिवर जो है बहुत बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। जी मैम, यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ कि बता दूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय और शेष है इस सत्र के लिए। तो मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं आपसे करूँगी, जैसे हम इंजाइम्स की बात कर रहे हैं, आपने पेप्सिन और ट्रिप्सिन की बात बताई, दोनों जो हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो मैम इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम,
जी अब देखिए मैम, जो आपने पूछा पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहे हैं, बट जो डिफरेंस है कि जो पेप्सिन था वो स्टमक में सिक्रेट हो रहा था, वो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन जो ट्रिप्सिन है वो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं वो पैंक्रियाज में सिक्रेट हो रहा है। ठीक ओके है, ठीक है मैम। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड पार्टिकल हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उस फूड पार्टिकल्स यूजफुल मटेरियल्स को अब एब्जॉर्ब करेंगे, और जो अब उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाने का काम है, इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद भी अगर मान लीजिए जो अनअब्जॉर्ब फूड है उसमें कुछ भी एक्सेस वाटर बच गया या कुछ भी एक्सेस सॉल्ट है जो हमारे बॉडी के लिए काम का है, तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको फिर से एब्जॉर्ब करता है, और जो फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है दैट इज फाइनली इजेक्टेड फ्रॉम आवर बॉडी, जिसको हम इजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। जी तो ये हमने आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखा। जी आप और बच्चे चाहें तो इस तरह फ्लो चार्ट बना करके खुद से इसको पूरा अच्छे से सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। वो जब भी पढ़े अपना एक फ्लो चार्ट बनाए, यहाँ जो जो हमने पढ़ा वही सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों को बताए गए हैं, जिस भी एंजाइम के बारे में पढ़ा या जो भी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, तो बच्चे इस तरह से समरी यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो गया, राइट प्रोटीन अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो गया, और फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट हो गया। जी, तो बच्चे ये सभी चीज़ें कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए और अपनी चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। मैम थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमसे जुड़े, नेहा मैम, और आपने इतने अच्छे तरीके से ये चैप्टर का एक हिस्सा आपने हमारे सभी बच्चों तक पहुंचाया। डेफिनेटली हम आगे आने वाले सेशंस में इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक धन्यवाद मैम, यू सो वेरी मच। और अपने सभी देखने वालों को भी हम धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे, जो कि मैथ्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, और हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस पर आप ज़रूर अपने साथ बनाए रखें, और अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहें ई विद्या चैनल पर। नमस्कार।